से प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 13th of December 2023 वेंसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.80। कल शाम को यूएस सीपीआई डेटा था, जिसके कारण डेटा क्या था सबको पता है, क्या डेटा आया, क्या फिगर आया, लेकिन मेन चीज है कि प्राइस एक्शंस कैसे बिहेव। प्राइस एक्शन जो है इट्स नेगेटिव इन कलर, रेड कलर का एक कैंडल, और इस कैंडल का अगर डाइसेक्ट करेंगे तो प्राइस रिजेक्शंस एट अ लोअर रेंज। इसका मतलब यानी जो भी यूएस का डेटा आया उसमें आपका डॉलर इंडेक्स को नेगेटिव इनिशियली आया, देन बाउंस बैक करके ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द लो गॉट रिकवर। ये हो गया आपका कल का यूएस सीपीआई। अभी आपका आज के दिन एफओएमसी रेट डिसीशंस है। उससे पहले एक नजर हम यूएस टेनर ट्रेजरी को देखना चाहेंगे। यूएस टेनर ट्रेजरी में भी आप देखोगे एक कलर कैंडल जो है रेड इन कलर, लेकिन प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड। व्हाट इट सिग्निफाइज, जस्ट आफ्टर द डेटा ये नीचे की तरफ आया लेकिन नीचे की तरफ सस्टेन कर नहीं पाया। अगेन हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट में आते हैं। डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट, यहाँ पे अगर आप प्राइस को देखोगे, प्राइस इस रेंज में अटक गया है। सो आज के एफओएमसी रेट डिसीशंस के बाद हमें ये चेक करना है कि प्राइस इस रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते हैं। आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई 46 जस्ट नीचे आपका नियर टू 40 में पहले एक सपोर्ट लिया था। अभी देखना है क्या ये ऊपर की तरफ जाए। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 104.90 से 105.10। दिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज द फर्स्ट गुड रेजिस्टेंस। डॉलर रुपी नथिंग न्यू, साइडवाइज कंसोलिडेशन इसमें कर देते हैं, इंतजार करना है। कर देने का मतलब क्या, कुछ करने का नहीं है, आराम से बैठे रहते। लेट प्राइस टू डिसाइड, लेट द मार्केट टू डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी बेसिकली क्या होता है ना, एक 12 महीना का एक साल होता है, सबको पता है। यस, 12 महीने का एक साल होता है। ओके, नाउ ये जो 12 महीने का, 12 महीने में आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, मीन्स धुम 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 करके ऊपर जाने का या धुम 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 करके नीचे की तरफ आने का मोमेंटम होगा नहीं। इस 12 महीने में एक फेज होगा, चाहे वो 2 महीने का हो या चाहे वो 4 महीने का हो। कभी कभी ये क्या होता है, एक रेंज में अटक जाते हैं। यानी उसका मतलब क्या है, आउट ऑफ ऑल द 12 मंथ्स देयर मे बी ए फेज और टू जहां पे प्राइस एक रेंज में अटक जाते हैं, एंड इन दैट टाइम वी नीड टू वेट एंड वॉच। उस टाइम में ट्रेड ज्यादा कुछ नहीं करने का। और ये जो फेज है ये वही फेज है जो आपका ऑलमोस्ट अगस्त मिड से चल रहा है। फिर भी इनिशियली अगस्त में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी था, अभी तो वो वॉलेटिलिटी भी खत्म हो गया है सिंस सितंबर। अभी हमें इंतजार करना है। वी नीड टू टेक दिस एज ए साइडवेज कंसोलिडेशन जोन out of that 12 months, maybe few months, उसके बाद देखेंगे। GBP dollar, GBP dollar में कल आप देखोगे एक spinning top candle form हुआ है, price rejection at both end। What it signifies? It signifies a pause, high की ऊपर ऊपर की तरफ continuation, low के नीचे नीचे की तरफ breakdown। अभी हमें आज यानी Wednesday, Thursday या Friday को ये देखना है कि ये स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर कंटिन्यू करते हैं या लो के नीचे चलते हैं। एफओएमसी रेट डिसीशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो इसके ऊपर भी यानी बेसिकली एफओएमसी रेट डिसीशंस के बाद ही पता चलेगा जीबीपी डॉलर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल का
ऊपर की तरफ चलते हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली प्राइस विल डिसाइड। और जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, लेकिन जो प्राइस रिजेक्शन जीबीपी डॉलर की तरह इतना ज्यादा नहीं है। जीबीपी डॉलर में काफी ज्यादा प्राइस रिजेक्शन एट बोथ साइड्स, लेकिन जीबीपी आईएनआर का जो डेली कैंडल है इतना ज्यादा प्राइस रिजेक्शन नहीं है बोथ साइड में, बट इट्स सम टाइप ऑफ स्पिनिंग। सो यहां पर भी हमें ये देखना है क्या हाई के ऊपर जाते हैं आफ्टर एफओएमसी रेट डिसीजंस या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे देखने वाला चीज डेली आरएसआई जो है पहले 60 में रेजिस्टेंस लिया था, अभी टाइम पास कर रहा है, क्या कल से यानी आज रात मिडनाइट के बाद ये फर्दर RSI बिलो 60 सस्टेन कर जाते हैं या RSI 60 के ऊपर जाके ब्रेकआउट करने का प्रयास करते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू वॉच। यूरो डॉलर में कल देखोगे क्या एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, बट प्राइस रिजेक्शन एट द हायर एंड, यानी ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्ट हुआ। बट इट मीन्स यानी जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा थोड़ा सा सेलर्स विल ट्राई टू डिफेंड। अभी आज के एफएमसी रेट डिसीजंस के बाद हमें ये देखना है, क्या देखना है, दो दिन का प्राइस देखना है, एक है 8 दिसंबर का लो और दूसरा वाला है 12 दिसंबर का हाई। 12 दिसंबर के हाई के ऊपर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड 8 दिसंबर के लो के नीचे सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद हमें देखना है किधर मुरारी चला, या चला मुरारी हरिद्वार में, ये हरिद्वार किधर होगा, ऊपर की तरफ हरिद्वार होगा या नीचे की तरफ ट्रेंड करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा कि मुरारी किधर जा रहे हैं। अभी आते हैं यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर पे आप क्या देखोगे, ये देखोगे कि एक प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये जो प्राइस कंसोलिडेशन कर रहे हैं इसके बाद ये ब्रेकआउट कौन सा डायरेक्शन में देते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आफ्टर एफओएमसी रेट डिसीजंस, हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी डॉलर येन में आप देखोगे कल एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है बट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। अभी इसको अगर नीचे जाना है तो इसके लो के नीचे यानी कल के जो प्राइस रेंज है उसके लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा आफ्टर एफएमसी रेट डिसीजंस। अगर इसको ऊपर जाना है तो हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। आज का रेट डिसीजंस के ऊपर प्राइस डिसाइड करेगा कि कौन सा डायरेक्शन लेता है। येन आईएनआर में देखो ये ट्वीजर टॉप बनाने के बाद प्राइस नीचे सस्टेन कर रहा है बट डेली आरएसआई अबव 60। अभी हमें आज के रेट डिसीजंस के बाद कल और टुमारो ऑनवर्ड्स एक मींस थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिलने का प्रयास कर सकते हैं। डॉलर कैंडी साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन लो के नीचे सेलिंग। ऑसी डॉलर 6563 यहाँ पे जो आपका प्राइस एक्शन है ये देखो, ये जो रेंज था रेंज ब्रेकआउट के बाद जूम ऊपर गया, नीचे आके सपोर्ट लेके अभी टाइम पास कर रहे हैं, यानी टाइम पास के बाद ये ऊपर जाते हैं या फर्दर नीचे की तरफ आते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। अगर ये RSI अबव 60 चले जाते हैं, डेली RSI अबव 60 चले जाते हैं, इन सच ए केस एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर CNH 7.19 जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उसमें जो आपका 27 नवंबर वीक का जो छोटू सा स्पिनिंग टॉप बनाया था उसके बाद पिछले हफ्ते 4 दिसंबर वाला जो वीक था वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, एक मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशंस ऑन वीकली पर्सपेक्टिव। डेली पे अगर हम देखेंगे प्राइस लोअर हाई लोअर लो से इट्स स्टार्टेड मेकिंग हायर हाई हायर लो। अभी
हमें देखना है कि क्या प्राइस आने वाले दिनों में 7.24 से 7.26 के बीच में जाते हैं या नहीं। अगर वहां पे जाने के बाद प्राइस कैसे बिहेव करते हैं ये हमें देखना होगा। ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड में कल एक जबरदस्त सेलिंग देखा गया, क्या मस्त सेलिंग था। अब नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो है 7190 से 73 के बीच में। क्या आने वाले दिनों में इस लेवल को रेस्पेक्ट करते हैं या तोड़ के फोड़ के नीचे की तरफ जाते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अभी अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको जो फ्यूचर है 77 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और नीचे की तरफ ये 72-73 का जो सपोर्ट जोन है इसमें प्राइस कैसे बिहेव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं या फर्दर डैमेज करने का प्रयास करते हैं, सपोर्ट को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। यूएस 10-year ट्रेजरी अभी क्या है, आज के रेट डिसीशंस के बाद, एफओएमसी रेट डिसीशंस के बाद क्या ये सपोर्ट को चैलेंज करता है, एक सपोर्ट है। इसको चैलेंज करेगा तो नीचे के तरफ आपका दो लेवल हमारा प्रोबेबल सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं। एक है आपका 3.95 से 4.00 का एक सपोर्ट हो सकता है। देन हमारा ये लेवल हो सकता है 3.73 से 3.75 का, दो प्रोबेबल सपोर्ट लेवल्स देख सकते हैं। इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है जो होना नहीं चाहिए तो ये पहले जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड ऑल्सो द आपका सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा आने वाले दिनों में। सो दीज आर द टू अपॉर्चुनिटीज, प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ है लेकिन फिर भी मार्केट इज मार्केट, मार्केट इज सुप्रीम, वी नीड टू रेस्पेक्ट द मार्केट, व्हाट एवर द ट्विस्ट, व्हाट एवर द सरप्राइजेस द मार्केट गिव्स। सो अगर इसको ऊपर जाना है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अभी 2-year ट्रेजरी कल देखो एक जबरदस्त स्पिनिंग टॉप नहीं ये पिन बार बनाया हुआ है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। दैट बीइंग द केस ये जो आपका 11th दिसंबर का कैंडल है इसके हाई के ऊपर हम थोड़ा सा अपवर्ड बायस एक्सपेक्ट। सो क्या ये ऊपर की तरफ इस 11th दिसंबर के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं या नीचे की तरफ आते हैं, we need to wait and watch. So, in a nutshell, कल का जो हमारा US CPI data था, वहाँ पे negative candle form हुआ है dollar index में, लेकिन price resistance at the lower end. So आज FOMC rate decisions के बाद एक clarity मिलेगा कि ये ऊपर की तरफ चल रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसके लिए और कुछ घंटे का, यानी 12-16 घंटे का करीब एक एक्सपेक्टेशंस है। करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना है। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। इफ सो कंजूसी मत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।